गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डायबिटीज इज वन ऑफ द डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल्स होता है वो राइज हो जाता है। हमने ये बात की थी कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस होता है। वी हैव डिस्कस दैट टाइप 1 डायबिटीज इज अ कंडीशन जिसमें बॉडी जो होती है वो इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। एंड टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है बॉडी में पर बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। आज हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। देयर आर द मेजरली 3 सिम्टम्स विच अकर इन एवरी डायबिटीज पेशेंट। और दिस 3 सिम्टम्स आर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, इंक्रीज हंगर, बार बार भूख लगती है, एंड इंक्रीज थ्रस्ट, बार बार प्यास लगती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिस्पेजिया। ओके, सो आज मैं बताऊंगा आपको कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस। तो सबसे पहला जो सिम्टम मैंने बताया वो बताया मैंने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो व्हाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हैपेंस टू द डायबिटीज पेशेंट। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो पेशेंट के ब्लड में नॉर्मल लेवल से ज्यादा रहता है। तो जो किडनीज होती है उसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, बार बार फिल्टर करना। सो जब किडनीज को पता चल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो किडनीज जो होते हैं बार बार उसे ब्लड को फिल्टर करती हैं नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा और बार बार यूरिन बनाती हैं। क्लियर? क्योंकि किडनीज चाहती है कि वो एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन की फॉर्म में बॉडी में से बाहर चला जाए, रिमूव हो जाए। सो दैट्स वाई किडनीज मेक द मोर यूरिन एंड दैट्स वाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हैपन्स टू द बॉडी। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहूँ कि इन द अटेम्प्ट ऑफ रिमूविंग द एक्सेसिव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, अटेम्प्ट अब ग्लूकोज को रिमूव करने के अटेम्प्ट में जो ज्यादा है उसकी वजह से किडनी फिल्ट्रेशन ज्यादा करती है ब्लड की और ज्यादा यूरिन बनाती है। दैट्स वाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हैपन्स टू द पेशेंट। अगर हम बात करूँ सेकेंड सिम्टम के बारे में, सेकेंड सिम्टम मैंने क्या बताया था, पेशेंट इज हैविंग द इंक्रीज थ्रस्ट, उसे भूख ज्यादा लगती है, उसे प्यास ज्यादा लगती है। भूख प्यास ज्यादा लगने का रीजन क्या होता है कि अब जब हमारी ब्लड में से ग्लूकोज रिमूव हो रहा होगा थ्रू द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो हमारी बॉडी का जो वाटर कंटेंट होगा वो भी ग्लूकोज के साथ रिमूव हो जाएगा। सो वाटर कंटेंट विल ऑल्सो गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी विद द ग्लूकोज, जिसकी वजह से बॉडी जो होगी वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और उसको दोबारा से हाइड्रेटेड करने के लिए वी नीड टू टेक द अगेन द वाटर, हमें फिर से वाटर कंज्यूम करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन द डायबिटीज पेशेंट। ठीक है, इसी वजह से हमें प्यास लगती है क्योंकि जब भी हमें हमारी बॉडी में यूरिन बनेगा, यूरिन रिमूव होगा तो उसमें से पानी भी बॉडी में से रिमूव हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, इसीलिए हमें प्यास ज्यादा लगती है। अगर हम बात करूं हमें भूख क्यों ज्यादा लगती है, इसका रीजन क्या रहता है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। बट जब हम डायबिटीज से सफर कर रहे होते हैं तो हमारा जो वो ग्लूकोज होता है वो बॉडी वो जो होता है वो ब्लड में ही रह जाता है, ये वो बॉडी के वेरियस सेल्स में नहीं जा पाता क्योंकि सेल्स में जाने के लिए उसे इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन बॉडी में है नहीं, तो इसकी वजह से बॉडी को दूसरे एनर्जी सोर्सेज के लिए सर्च करना पड़ता है और वो एनर्जी सोर्सेज कहाँ पे होंगे, डाइट में। ठीक है, सो इसी वजह से दूसरे सोर्सेज से एनर्जी लेने के लिए बॉडी दूसरे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक ज्यादा कंज्यूम होता है, इसी वजह से हमें बार बार भूख लगती है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस 3 सिम्टम्स हैपेंस इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थ्रस्ट एंड इंक्रीज हंगर। आई थिंक यू आर क्लियर विद माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस सिम्टम्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर सच नॉलेजेबल कंटेंट। Thank you so much.